अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। शहर में एक बार फिर गांजा तस्करों ने रोब गालिब कर दिया है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके की शालीमार गार्डन कॉलोनी का है। यहां पर हर घर के बाहर क्षेत्रवासियों ने पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं, जिन पर लिखा है पलायन को मजबूर। इन लोगों का कहना है कि हमारी कॉलोनी बहुत ही साफ सुथरी है और यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। हमारे घर में गांजा तस्कर घुस गया, जिसकी शिकायत सीओ से की गई। अर्जी के बाद उसको उठा लिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनकी इल्तिजा है कि या तो इलाके से गांजा तस्करों को निकाला जाए, नहीं तो ये लोग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए हैं। सुनिए मोहम्मद शाकिर इस बारे में क्या बोले। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर। आज पलायन का मामला है, क्या ऐसी क्या घटना है? जो घटना ये है कि हमारा महला शालीमार गार्डन गली नंबर 3 बिल्कुल साफ सुथरा और दोस्तों अच्छे लोग रहते हैं। उसके पीछे एक मकान पे, हमारे मकान के पीछे एक मकान में एक गांजा तस्कर आ गया शादी। अच्छा। उसके पीछे हमने सी ओ साहब से भी और इंचार्ज साहब से भी शिकायत की, लेकिन सी ओ साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंचार्ज साहब को कहा कि इसे फ़ौरन उठाओ, लेकिन इंचार्ज साहब इसको कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और अब अगर इनका इंचार्ज साहब ही चाहते हैं कि इसमें ये ऐसे गंदे लोग रहें, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग यहाँ ना रहें, या तो ये गंदे इंचार्ज साहब गंदे लोगों को रख लेंगे, हमें रख लेंगे। तो इसलिए मोहल्ले के लोगों ने प्लान का चस्पा किया है, पोस्टर चस्पा किया है मोहल्ले के लोगों ने, इसी वजह से प्लान का। और मैंने ऐसे कह भी दिया था कि हम रहेंगे नहीं आगे, और इंचार्ज साहब ने हमारी नहीं सुनते, इसलिए हमने मोहल्ले के लोगों ने सबने इकट्ठा होकर प्रोग्राम बनाया कि सब बच्चे ऐसे गंदे लोग रह लेंगे मोहल्ले में, हम प्लान कर जाएंगे। कौन से इंचार्ज साहब गया था? कौन से? रंजीत कुमार मानूंगा, लोकली चौकी। कब की देसी कहा था आपने? मैंने पिछले फ्राइडे में उनसे, हम गए थे थाने गए थे, तो वहाँ बात हुई थी सीओ साहब से, सीओ साहब ने रंजीत से बात कराई थी जो इंचार्ज है, और पिछले हफ्ते उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम उसे जल्दी से हमारा मकान खाली करा देंगे वहाँ से। और पिछले फ्राइडे हमने बुलाया भी था इंचार्ज साहब को, तो इंचार्ज साहब आधा घंटा पीछे वाले मकान में बैठ कर शादी के और वापसी चले गए। उन्होंने कहा हम कल खाली करा देंगे, लेकिन इंचार्ज साहब का अभी कल अभी 8 दिन में हुआ नहीं। अच्छा, किसके मकान में रहता है, किसके मकान में कहाँ जाना है? मकान है वो उबैद का नाम मकान है, श्यामनगर में रहता है उबैद भी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।